भारत में शादी सिर्फ कोई इवेंट नहीं है बल्कि एक इमोशन है जो दो लोगों को हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत रिश्ते में बांध देता है। शादी की रस्मों में भी ये आत्मीयता नजर आती है, चाहे वो कन्यादान हो, सिंदूर दान हो या फिर मंगल सूत्र पहनाना। हर रस्म के साथ अपनी अपनी भावना और अपने अपने उत्साह जुड़े होते हैं। इनमें अगर हम मंगलसूत्र की बात करें तो भारतीय स्त्रियों के लिए ये कोई गहना नहीं बल्कि सौभाग्य की निशानी है, एक गर्व है जिसे वो हमेशा धारण करती है। अगर मान्यताओं की बात की जाए तो एक पारंपरिक मंगलसूत्र में सोने के मोती और काले मोती होते हैं, जिनके पीछे कारण ये है कि सोना एक ऐसा मेटल है जिसे आग भी जला नहीं सकती, या फिर कह सकते हैं कि ये अमरता का प्रतीक है, जिसका मंगलसूत्र में होने का मतलब है कि सौभाग्य अखंड हो। और काले मोती सौभाग्य को बुरी नजर से बचाते हैं, जिन्हें आजकल नए डिजाइन और कस्टमाइज के ऑप्शन देकर स्टाइल स्टेटस बना दिया गया है। वो पुरानी बातें हो गई जब शादी की सारी तैयारियां लड़के और लड़की के माता पिता करते थे। आजकल तो लड़का और लड़की हर चीज को खुद देखते और परखते हैं, चाहे वो शादी का वेन्यू हो, कपड़े, अलग अलग रस्मों में क्या थीम्स होंगी और उसके साथ मंगलसूत्र भी, उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, और हर वो चीज जिसमें उसमें उनका प्यार और एक दूसरे के प्रति समर्पण नजर आए। वैसे कारण जो भी हो, इस नए ट्रेंड ने मंगलसूत्र की लोकप्रियता को बहुत बढ़ा दिया है। आइए नजर डालते हैं कुछ जाने माने हस्तियों के मंगलसूत्र पर जिसमें स्टाइल और संस्कृति का अनोखा मेल है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको तुरंत मिल सके। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वरमाला.com, जो आपको जानकारी देता है टॉप लग्जरी 5-स्टार होटल्स के बारे में, जहां आप अपनी रॉयल वेडिंग प्लान कर सकते हैं। नंबर 7, सबसे पहले नजर डालते हैं जिन्हें भगवान से सूरत से ही नहीं सीरत से भी खूबसूरत और शालीन बनाया है। हम बात कर रहे हैं पूर्व विश्व सुंदरी बच्चन परिवार की बहू और एक बेहतरीन अदाकारा ऐश्वर्या रॉय बच्चन की। इनकी शादी अभिषेक बच्चन से 2007 में हुई और तब से अलग अलग मौकों पर वो एक बहुत ही अच्छी पत्नी के रूप में नजर आई है। अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा इवेंट थी। इन दोनों की शादी बॉलीवुड की महंगी शादियों में शुमार है, और अगर मंगल सूत्र की कीमत की बात करें तो ये 4 करोड़ रुपए की थी। इसका डिजाइन बेहद पारंपरिक था, जिसे 3 पत्तियों से बनाया गया था और इसमें हीरे जड़े हुए थे। नंबर 6, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनके पति की हर बात में उनके आलिशान रहन सहन की झलक मिलती है, चाहे वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में एक फ्लैट लेना हो या फिर इनका 6 करोड़ का मंगलसूत्र। इसका डिजाइन बेहद ही खूबसूरत है, जिसमें एक बत्ती बनी है जिसमें छोटे छोटे हीरे भरे हुए हैं। बहुत लंबा न होने के कारण ये काफी मॉडर्न लुक देता है। शायद इसी के बाद से लंबे मंगलसूत्रों का चलन कम सा हो गया, क्योंकि शिल्पा शेट्टी एक स्टाइल आइकॉन भी है, तो उन्होंने अपने मंगलसूत्र को एक ट्विस्ट देने की कोशिश की। जब इन्होंने एक मंगलसूत्र ब्रेसलेट पहना तो जाहिर सी बात है ये भी फेमस हो गया। आज ये सक्सेसफुल मैरिड कपल ही नहीं बल्कि सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। इन दोनों की मुलाकात भी एक बिजनेस वेंचर के तहत ही हुई थी, जब शिल्पा शेट्टी की राज कुंद्रा ने उनके परफ्यूम के ब्रांड को लॉन्च करने में मदद की थी, और उसके बाद इन दोनों का एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का इरादा पक्का होता चला गया। आज शिल्पा शेट्टी कुंद्रा बहुत से अवतारों में नजर आते हैं, एक बिजनेस वुमन, कभी किसी रियलिटी शो पर जज के रूप में तो कभी फिटनेस और योगा ट्रेनर के रूप में, और अपने हर किरदार को इन्होंने बखूबी निभाया है। नंबर 5, सोनम कपूर। सोनम कपूर के स्टाइल सेंस के चर्चे हर जगह होते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक बेहतरीन स्टाइल आइकॉन की तरह उभरी है, और इन्होंने अपने स्टाइल की समझ को अपने मंगल सूत्र में भी इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि सोनम कपूर ने अपने मंगल सूत्र को खुद डिजाइन किया है। इसमें सोनम ने अपने और अपने पति के स्टार साइंस बनाए, जिस पर 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग है और बीच में एक सॉलिटेयर डायमंड, और इसकी कीमत है 8 करोड़ रुपए। कहना पड़ेगा ये काफी अलग कॉन्सेप्ट था, और इसी वजह से ये भी प्रत्यक्ष है कि सोनम ने इसे अपने दिल से बनाया। इसके बाद तो जैसे लड़कियों में होड़ लग गई अपने मंगल सूत्र को खुद डिजाइन करने की। नंबर 4,
नंबर 4 अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के रिश्ते ने भारत के लोगों के दिलों में बहुत उत्सुकता जगाई थी। दोनों का प्यार भी फिल्मों की तरह पहली नजर का प्यार था। दोनों एक एड फिल्म के शूट के दौरान मिले। उसके बाद दोनों ने 2017 में एक दूसरे से शादी कर ली। अनुष्का शर्मा की शादी में बहुत सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने ट्रेंड सेटर का काम किया, चाहे वो उनका लहंगा हो या उनकी ज्वेलरी हो या फिर उनकी एंट्री के टाइम बजने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक। हर चीज में एक नयापन और एक ताजगी थी। अगर उनके मंगलसूत्र की बात की जाए तो उसने भी कुछ कम सुर्खियां नहीं बटोरी थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी उसकी कीमत, जो है 10 करोड़ रुपए। उनके मंगलसूत्र में नीचे की तरफ एक फूल बना हुआ है जिसे हाफ मून शेप्ड और डायमंड स्टडेड सेंटर पीस ने पूरे मंगलसूत्र से जोड़ रखा है, और ये पारंपरिक मंगलसूत्र की तरह ही काले मोतियों में माला में गूंथा हुआ है। नंबर 3 दीपिका पादुकोण। बहुत कम समय में ही अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली दीपिका पादुकोण और रणवीर की प्रेम कहानी किसी से छुपी नहीं है, ना ही दूसरे सेलिब्रिटीज की तरह इन्होंने अपने रिश्ते को कभी छुपाने की कोशिश की। शादी के बाद उनके माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। अगर इनके मंगलसूत्र की कीमत की बात करें तो वो है 15 करोड़ रुपए। इनका डिजाइन बगैर किसी ज्यादा तामझाम वाला बहुत बेसिक और क्लासी है, जिसमें काले मोतियों की माला और नीचे खूबसूरत सोलिटायर डायमंड लगाया गया है। नंबर 2 प्रियंका चोपड़ा जोनस। प्रियंका चोपड़ा सही मायने में भारत की एक इंटरनेशनल स्टार है, जिसमें उनके मल्टी टैलेंटेड होने का बहुत बड़ा हाथ है। भारत में तो उन्होंने अपने अदाकारी के झंडे गाड़े ही हैं, विदेश में भी बेहतरीन काम करके उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रशंसा बटोरी। लेकिन इन सब के बीच जब उनके निक जोनस के साथ अफेयर की बातें सामने आई, तब लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा। प्रियंका और निक ने भी शुरू में अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश की, लेकिन अचानक जब उनकी मंगनी की तस्वीरें सामने आई, तब लोगों को विश्वास हो गया कि मामला काफी आगे बढ़ चुका है। दोनों की शादी भी काफी बड़ा इवेंट थी। दोनों ने एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए पहले क्रिश्चियन और फिर हिंदू रीति रिवाज से शादी की, जिससे जाहिर सी बात है कि निक ने प्रियंका को मंगलसूत्र पहनाया जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपए थी। ये भी एक खूबसूरत पारंपरिक डिजाइन वाला मंगलसूत्र है, जिसके ऊपर की तरफ 3 पत्तियों का डिजाइन है और उनमें हीरे जड़े हुए हैं, और तीनों को जोड़ता हुआ एक बड़ा बूंद नुमा डिजाइन जिसमें एक बड़ा हीरा जड़ा है, और ये 22 कैरेट गोल्ड की चेन में है। नंबर 1 ईशा अंबानी। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम किसका हो सकता था, ये गैस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुकेश अंबानी और उनके परिवार की कोई भी बात साधारण नहीं होती, और इसका सबसे नया उदाहरण है उनकी बेटी ईशा अंबानी की शादी, जो एक लाजवाब वेडिंग थी। बड़े बड़े वीआईपी से भरे इस वेडिंग की हर बात असाधारण थी। तो ईशा अंबानी का मंगलसूत्र कैसे साधारण हो सकता था? वैसे तो अगर ईशा अंबानी के मंगलसूत्र की कीमत की बात करें तो उनकी शादी से जुड़ी बाकी चीजों के मुकाबले सस्ता था, लेकिन फिर भी हमारे लिस्ट में सबसे ऊपर इसी का नाम आता है, क्योंकि इसकी कीमत है 90 करोड़ रुपए। इस लिस्ट को देखकर इतना तो समझ में आता है कि शादी आज की हो या फिर 20-25 साल पहले की, उनमें उत्साह और भावना आज भी वैसी है जैसे पहले हुआ करती थी, और प्यार की कीमत नहीं लगाई जा सकती क्योंकि ये अनमोल है। लेकिन अगर कोई सक्षम है तो जैसे हो सके वैसे अपने प्यार को किसी न किसी तरीके से दिखाने की कोशिश करता है। चाहे आज शादियों की वोकैबुलरी में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द बढ़ गए हों, लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग, प्री वेडिंग फोटोग्राफी, कस्टमाइज ज्वेलरी, लेकिन इनमें किए जाने वाले वादे वही हैं, एक दूसरे का साथ निभाने वाली कस्में भी वही हैं। मंगलसूत्र चाहे महंगा हो या सस्ता, मॉडर्न हो या ट्रेडिशनल, कस्टमाइज हो या रेगुलर, उसे कोई सेलिब्रिटी पहने या कोई साधारण स्त्री, ये आज भी दो लोगों को एक प्यार और हमेशा साथ रहने वाले वादे में बांध के रखता है। इसके साथ आज भी वही इमोशंस जुड़े हुए हैं जो पहले थे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आप और कौन से वेडिंग टॉपिक पर जानकारी लेना चाहते हैं, उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप मेरे साथ हर रोज घूमने वाले हैं अलग अलग 5-स्टार होटल रिजॉर्ट, जहां पर आप अपनी किसी भी प्रकार की लग्जरी वेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वरमाला.com। धन्यवाद।